हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार कर्मचारियों पेंशनरों के साथ उनके आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का RPF भविष्य ध्यान में रखते हुए डेडलाइन फिक्स करने जा रही है। CM मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को इसके लिए खास हिदायत दी है। इस योजना के तहत 6,51,000 से ज्यादा कर्मचारियों के परिवार को लाभ मिलेगा। इसमें क्लास 1 के तहत हरियाणा के सरकारी और निगम कर्मचारियों के 3,63,776 परिवार, पेंशनर्स के 3,05,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत एम्पैनल प्राइवेट अस्पतालों की भौगोलिक दृष्टि से मैपिंग सरकार करवाएगी। इससे सरकार के पास सभी जिलों में स्थित ऐसे अस्पतालों का रियल टाइम डेटा उपलब्ध हो सकेगा। इससे ये भी फायदा होगा कि इमरजेंसी में तत्काल मदद पहुंचाई जा सकेगी। क्लास 2 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार, आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों के 555 परिवार, हिंदी आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के 186 परिवार, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के 614 परिवार भी शामिल किए जाएंगे। कैशलेस बीमा योजना के तहत सभी इंडोर उपचार, डायलिसिस, मोतियाबिंद, कीमोथेरेपी, रक्त आधान जैसी सभी डे केयर बीमारियां कवर होंगी। इसके अलावा 18 पुरानी बीमारियों की जांच और दवाओं का भी लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार का बीमा 3,00,000 से अधिक का होगा। OPD के लिए हर साल 25,000 का लाभ। लाभार्थी OPD सेवाओं के लिए प्रति वर्ष 25,000 रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे। इसमें परामर्श शुल्क पर 1,000 रुपये की ऊपरी सीमा के साथ जांच शुल्क और दवाएं शामिल होंगी। कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और आश्रितों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार पैनल में शामिल अस्पतालों में असीमित कैशलेस उपचार हो सकेगा। क्लास 2 के लिए 5,00,000 का कवर। श्रेणी 2 के लाभार्थियों को 5,00,000 रुपए तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। 3,00,000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष के दावों का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। इससे ज्यादा के राशि के दावों के भुगतान की प्रक्रिया बीमा कंपनियों के द्वारा पूरी की जाएगी। RFP का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एक खरीद प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण में जारी किया जाता है, जहां आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट वस्तु या सेवा पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सर बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक निमंत्रण प्रस्तुत किया जाता है।